For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Star Plus के लॉन्ग रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनाया जाने वाला है वंश का बर्थडे, वो भी एक खास थीम के साथ। जी हाँ, इस बार वंश के बर्थडे की थीम डिसाइड की गई है और ये थीम डिसाइड करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड कायरव ही हैं। यानी कि इस बार आप सभी को हेलोवीन थीम में देखने को मिलेगा वंश का बर्थडे। तो इसी बीच कार्तिक का एक बड़ा राज भी खुलता हुआ नजर आएगा। यानी कार्तिक फिर एक बार अपने उस बंद कमरे में जाने वाला है जिस कमरे में वो दिन गिन गिन कर नायरा का इंतजार करता था, और उस कमरे में जाते ही कार्तिक के अतीत के कुछ पन्ने खुलते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ उसका एक नया गम आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको बता दिया जाए तो जहाँ एक तरफ वंश का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और सब काफी ज्यादा खुश थे, तो उसी खुशी से बाहर निकल कर आ जाता है कार्तिक और चला जाता है अपने उस बंद कमरे में एक चॉकलेट लेकर, जहां वो चॉकलेट खाते खाते काफी ज्यादा रोता है और साथ ही साथ अपने पुराने गमों को काफी ज्यादा याद करता है। आपको बता दिया जाए तो कार्तिक इस बात का पछतावा कर रहा है कि आखिर नायरा उसे क्यों छोड़ कर गई थी और आखिर क्यों उसने वेदिका के साथ शादी करी थी। यानी अगर ये दो बड़े ड्रामे उसकी जिंदगी में नहीं होते तो शायद आज खुशी खुशी नायरा और कायरव उसके साथ होते। वेल, इसके बाद क्या नया तूफान दिखाते हैं मेकर्स कायरा की जिंदगी में, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले। टॉप न्यूज से कीर्ति की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।